मेरठ के खुशहाल नगर में पेट्रोल और डीजल के अवैध गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में गोदाम मालिक कलवा और उसका बेटा आजाद बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि खुशहाल नगर गली नंबर 8 में रहने वाले कलवा ने गली नंबर 7 में पेट्रोल डीजल का पिछले काफी समय से अवैध गोदाम बना रखा था, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता यह भी जा रहा है कि घटना के वक्त गोदाम मालिक और उसका बेटे सहित 6 लोग मौजूद थे। आपसे पहले भी मैंने इस बात को रखा था और लगभग परसों जो है चौकिंचार साहब से भी लगभग 2 बजे मैंने इन्हें अवगत करा था, चौकिंचार साहब को, जो करतार सिंह जी हैं, कि मेरी गली में जो है कच्चा तेल का काम हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा था कि हम इस पर एक्शन लेंगे। बाकी अब से पहले भी मेरी जो लड़ाई है, अब से पहले भी एक मामला हुआ था कि यहाँ से पलायन कर रहे थे, यही बात थी। हमने कमेटी के लोगों से जो ये बात रखी थी कि भाई जी जो सही काम है वो तो आप लोग करा नहीं रहे, जो गलत काम है वो आप करा रहे हो। ये खुशहाल नगर कॉलोनी यही का रहने वाला एक कलवा है, ये अपना यहाँ गोदाम बना करके यहाँ पर ये केमिकल अपना बेच रहा था और अवैध रूप से था ये, और इसमें आग लग गई थी, जिसमें ये पता चल रहा है कि पड़ोसियों ने बताया कि कलवा भी झुलस गया है और कहीं इलाज के लिए यहाँ से भाग गया, जानकारी नहीं हो पा रही है। ये पता किया जा रहा है कि किस अस्पताल में है। आग तो पूरी रूप से बुझी।